दिल्ली में बनेगा आपातकालीन केंद्र, आंधी तूफान तेज बरसात आगजनी के दौरान बचाव कार्य में होगा मददगार। आपदाओं से निपटने के लिए देश की राजधानी में अत्याधुनिक साज सुविधाओं से युक्त एक आपातकालीन संचालन केंद्र EOC बनेगा। यह केंद्र भूकंप, आंधी तूफान, तेज बरसात, आगजनी और महामारी के दौरान त्वरित बचाव कार्य में मददगार होगा। LGV के सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग में इस केंद्र के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA को 1 हेक्टेयर जमीन भी आवंटित कर दी है। जल्द ही इस जमीन का कब्जा लेने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके बाद इसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। संभावना है कि यह केंद्र करीब 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के निर्देशानुसार हर राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA का अपना मुख्यालय और एक आपातकालीन केंद्र होना चाहिए। कहने को यह दिल्ली में भी है जरूर, लेकिन अस्थायी तौर पर। 5 सामनाथ मार्ग स्थित भवन में दिल्ली सरकार के अन्य कार्यालयों के साथ ही इसको भी कुछ जगह मिली हुई है। पिछले दिनों राजनिवास में LG और CM अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में इस विषय में विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली में नहीं है राज्य आपदा राहत बल। इस दौरान कई मुद्दों पर बहुत गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। मसलन भूकंप के लिहाज से दिल्ली का सिस्मिक जोन 4 में आना, अनाधिकृत कॉलोनियों में सक्रिय सड़कें होना जहां आपदा की स्थिति में वाहनों और लोगों की आवाजाही लगभग असंभव होना, बड़ी संख्या में इमारतें असुरक्षित होना, उनका सर्वेक्षण भी नहीं होना और इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई की जरूरत होना। बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि दिल्ली में अन्य महानगरों की तरह राज्य आपदा राहत बल SDRF नहीं है। NDRF ने ही 1176 जवानों की एक बटालियन दिल्ली को दे रखी है। साथ ही इस पर भी विचार हुआ कि DDMA को अपनी आपदा मित्र योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। बैठक में तय किया गया कि DDMA ने 1800 स्वयंसेवकों को बुनियादी राहत कौशल और बचाव उपायों में प्रशिक्षित करेगा ताकि वे आपदा की स्थिति में समुदायों की सहायता कर सकें। इन स्वयंसेवकों को किसी भी शारीरिक चोट या मृत्यु के दावे के लिए 5 लाख रुपए की बीमा राशि के साथ आपातकालीन रिस्पॉन्स किट और बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। त्वरित रिस्पांस के लिए खरीदे जा रहे हैं उपकरण। जानकारी के मुताबिक DDMA ने BSNL के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के परामर्श से 53 सैटेलाइट फोन भी खरीद लिए हैं जो किसी भी ऐसी स्थिति में जब संचार व्यवस्था ठप हो जाए अहम साबित हो सकते हैं।